ताजमहल, सफेद संगमरमर से बनी यह शानदार इमारत जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, अब इसे देखने का सपना थोड़ा महंगा हो सकता है। आगरा में स्थित इस विश्व धरोहर स्थल की खूबसूरती का दीदार करने के लिए अब भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। ताजमहल का दीदार अब भारतीय पर्यटकों के लिए 80 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 1200 रुपए का होगा। आगरा विकास प्राधिकरण ADA ने पथकर में 30 रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए हो जाएगा। वहीं विदेशी पर्यटकों को अब 100 रुपए अधिक यानी 1200 रुपए चुकाने पड़ेंगे। आगरा विकास प्राधिकरण ने यह कदम उठाने का फैसला किया है ताकि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बराबर ही उन्हें भी टिकट की राशि में हिस्सा मिल सके। वर्तमान में भारतीय पर्यटकों से 50 रुपए का टिकट लिया जाता है, जिसमें 40 रुपए ASI और 10 रुपए ADA को मिलते हैं। अब ADA अपने हिस्से को बढ़ाकर 40 रुपए कराना चाहता है, जिससे कुल टिकट की कीमत 80 रुपए हो जाएगी। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जाने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अतिरिक्त 200 रुपए का टिकट लेना होता है। यह भी बदलाव की संभावना है, जिससे सैलानियों को इस शानदार स्मारक का दीदार महंगा पड़ेगा। आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड की चेयरमैन और मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी ने इस पथकर वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब इस प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति मिलते ही ताजमहल का दीदार करने की कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो अब जब आप ताजमहल की सैर पर निकलें, तो इस मोहब्बत के प्रतीक की सुंदरता का आनंद लेने के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहें। लोकल 18 के लिए आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।